Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आपकी मोहब्बत आपकी जिंदगी अब किसी और की जिंदगी बन चुकी है. आपके घर की जीनत अब किसी और का घर सजा रही है. जी आपकी तंजीला अब शादी कर चुकी है, वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि फैसल के साथ. मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं फैसल को हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही. मुझे इस बात का एहसास है कि अखलाकी और शरई तौर पर अब फैसल ही मेरा शुमार है. मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे रोक रहा है. मेरी कोशिश करने के बावजूद मैं उसे नहीं अपना पा रही. मेरा दिल मेरी रूह नहीं मानती. ये किसकी शादी का कार्ड है? सारा के एंगेजमेंट का कार्ड है. सारा? कौन सारा? आतिर का एक दोस्त है, उन्हीं की बहन है. तुम जाओगी? मगर क्यों? क्योंकि वहां आतिर भी होंगे. मैं उनका सामना नहीं करना चाहती. आतिर के होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. बिल्कुल ठीक कहा. आतिर के होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तंजीला. तुम्हारा आतिर से रिश्ता खत्म हो चुका है. कानूनी और शरी लिहाज से तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा, इसलिए तुम इस मंगनी में जरूर जाओगी और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा. चाय लेकर आती. जी कहिए. भाई साहब मैं आपके पास आई थी, वो बकाया पेमेंट रहती है आपकी तरफ, प्लीज वो दे दीजिए. बकाया पैसे? कौन से बकाया पैसे? भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने एक दुकान और घर बेचा था आपको, आपने अपने आदमी के हाथ बस एडवांस का चेक भिजवाया था. बकाया पेमेंट रहती है, मैंने आपको इतने फोन भी किया, आपने तो मेरा फोन तक नहीं उठाया. अव्वल तो फोन आपने किया नहीं, अगर किया भी था तो मैं क्यों उठाता? बीबी जो बकाया रकम थी वो तो हम आपको दे चुके हैं. आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं अपने पैसों की बात कर रही हूँ. मैंने आपको दुकान और घर बेचा था. आप याद करें मैं रोहेल नामी एक शख्स के साथ आपके पास आई थी. बीबी मुझे अच्छी तरह याद है, आप उनके साथ आई थी, इसलिए हमने बकाया रकम उनको दे दी थी. क्या रोहेल को? वो रकम आपने मुझे देनी थी, घर और दुकान तो मेरा था. लेकिन हमारी डील तो उनके साथ थी, उन्होंने पैसे मांगे हमने दे दिए. वैसे मैंने आपसे रابطے की कोशिश की थी लेकिन आपका नंबर बंद था और आपका नया नंबर और एड्रेस मेरे पास था नहीं. नहीं मेरा नंबर बंद कैसे हो सकता है, मेरा नंबर तो ऑन था. बल्कि मैंने इतनी मरतबा आपको कॉल किया, आपने मेरा फोन नहीं उठाया. देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये चेक कर, ये अभी का नंबर है ना? देखें ये मेरा नंबर नहीं है, ये किसी और का नंबर है. मेरा ख्याल है आपने
गलत नंबर नोट कर लिया था। क्या वेल ने तो मुझे यही नंबर दिया था और मुझे रकम भी नहीं मिली। ये तो आप उनसे पूछें, वही बेहतर बता सकते हैं। मैंने कुछ पूछना था। क्या? मुझे तोहफे में कुछ खरीदना है। क्या खरीदें? तोहफा? घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, तुम जिस मंगनी में जा रही हो उसके लिए। मैंने फैसला कर लिया, बस मैं सारा की मंगनी में नहीं जाऊंगी। क्यों, क्यों नहीं जाओगी? उसने इतनी मोहब्बत से कार्ड भेजा है। मोहब्बत करने वालों का दिल नहीं तोड़ते। मोहब्बत करने वाले अक्सर दिल तोड़ देते हैं। सब एक जैसे नहीं होते, वो बदकिस्मत होते हैं जो मोहब्बत की कदर नहीं कर पाते। उन बदकिस्मत लोगों के किए की सजा सबको नहीं दी जा सकती। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना सही, खलूस से तो दिया जा सकता है। मैं नहीं जाऊंगी बस। खुद को मजबूत करो तंजीला। हवाएं सिर्फ वही दरख्त जड़ से उखाड़ सकती हैं जो कमजोर होते हैं। मजबूत दरख्त तूफानों का मुकाबला कर जाते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं आते का सामना किस तरह कर पाऊंगी? कितनी अजीब बात है, बेगुनाह होते हुए भी खुद को गुनाहगार महसूस कर रही हूँ। सिर्फ फैसल से निकाह करने की वजह से। आप याद करें, मैं रोहेल नाम एक शख्स के साथ आपके पास आई थी। ये भी मुझे अच्छी तरह याद है, आप उनके साथ आई थी, इसलिए हमने बकाया रकम उनको दे दी थी। अगर प्रॉपर्टी डीलर ने रोहेल को रकम दे दी है तो रोहेल ने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? वो तो अच्छी तरह जानते मुझे पैसों की अशद जरूरत है। इसके बावजूद रोहेल ने मुझे पैसे नहीं दिए। खुदाया, दूध बिगड़ करके इतना सा रह गया, ऊपर से वैसे पैसे नहीं, इतना सा दूध रह गया, अब इसका क्या करूंगी? आज मैं खुद बात करती हूँ। कौन उठाई फोन, आज मैं खुद जाके से बात करती हूँ, देखती हूँ। तंजीला, तुम अभी तैयार नहीं हुई? किस लिए? भूल गई, सारा की एंगेजमेंट है आज। हाँ, लेकिन मैंने उसे बता दिया था कि मैं नहीं आऊंगी। क्यों? मेरा मतलब है कि वो तुम्हारी दोस्त है, अगर तुम नहीं जाओगी तो उसे बुरा लगेगा। और वैसे भी मैं ये फूल ले आया हूं,
अच्छी है ना फूल? कहीं तुम आतिर की वजह से तो जाने से मना नहीं कर रही? मैं आतिर की वजह से क्यों मना करूंगी? अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। और वैसे उसके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकती है? मेरा मतलब है, अगर तुम्हें आतिर से कोई मसला नहीं तो फिर जाने से क्यों मना कर रही हो? फैसल, शायद तुम भूल गए, आतिर ने मुझ पर इल्जाम तुम्हें लेकर लगाया था। और अब जब हम दोनों निकाह कर चुके हैं तो ये निकाह इस बात की तस्दीक है कि जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया था वो सच था। और मैं आतिर को दोबारा इस बात का मौका नहीं देना चाहती कि वो मुझ पर वही इल्जाम दोबारा लगाए। भले ये निकाह हम दोनों ने मजबूरी में किया, लेकिन ये बात हम दोनों जानते हैं। तो क्या आतिर के डर से सारी जिंदगी यहीं बैठी रहोगी, लोगों से अपने दोस्तों से नहीं मिलोगी? तो कैसे सारी जिंदगी इस डर के साथ गुजार सकती है? सिवाय मेरे रब के मुझे किसी का डर नहीं और ना ही किसी का खौफ है। जब तैयार हो जाओ बता दे। एक मसला है। क्या सब खैरियत है ना यार? वो सारा ने तंसीला भाभी और फैसल को भी इनवाइट किया। क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे बताया होता तो मैं आता ही ना। मुझे खुद उसने अभी अभी बताया। यार उस्मान, ये सारा ने गलत किया। अगर वो तंजीला को इनवाइट कर रही थी तो मुझे मना कर देना चाहिए था। मुझे क्यों इनवाइट किया? हाँ, अगर वो तुम्हें अपना भाई मानती है और तंजीला भाभी के साथ भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है। बात ये नहीं है उस्मान, बात दोनों को एक जगह इनवाइट करने की है। और वो भी तब जब उसकी शादी उस फैसल से हो चुकी है। क्या हो सकता है फंक्शन के अरेंजमेंट उसको याद ना रहा हो? याद ये सब क्या है? क्या है? मेरा ख्याल है कि हम लोग एंगेजमेंट पर जा रहे हैं, और वो भी सारा की जो तुम्हारी दोस्त है। वो तुम्हें इस तरह देखेगी तो क्या सोचेगी? सारा मेरी दोस्त है, क्या सोचेगी क्या नहीं इसके लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। I'm sorry. मैं भूल गया था कि मैं आतिर नहीं फैसल। मैं अब चलता हूँ।
ये गिफ्ट मेरी तरफ से सारा को दे दो। आतिर क्या कर रहे हो यार? अब आ गई हो तो रुक जाओ ना, मंगनी की रस्म शुरू होने वाली है, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? समझने की कोशिश करो उस्मान, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं उन दोनों को साथ सोच भी नहीं सकता, तो मुझे उन्हें साथ देखने के लिए मजबूर कर। प्लीज डोंट फोर्स मी, प्लीज। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। बस दे रब्बा सुन मेरे दिल की दुआ, लिख फिर से नसीहत। क्या हुआ, रुक क्यों गई? लिख फिर से तंजीला, रुक क्यों गई? मैं सार सुन, कैसे हो आतिर? ठीक। सुभान, मैं चलता हूँ। अरे ये क्या, मेरे और तंजीला के आते ही चल दिए? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इतनी जल्दी क्यों? या फिर किसी का सामना करने से घबरा रहे? सामना करने से वो लोग घबराते हैं जिन्होंने किसी की चोरी की, और यहां चोरी मेरी हुई है, मेरी मोहब्बत की चोरी, मेरी खुशियों की चोरी, और वो तुमने की है।